नमस्कार प्रणाम। ऑनलाइन समिट चैनल पर दोस्तों आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों यहां पर आज मैं आपको डायरेक्टली बताने वाला हूं, कोई भी अगर रसीद काटने जाते हैं या फिर कोई भी जमीन का रिकॉर्ड खोजने जाते हैं तो सबसे पहले बोला जाता है पंजी टू विवरण निकालने के लिए। क्योंकि दोस्तों पंजी टू विवरण आप जैसे ही प्रिंट करते हैं निकालते हैं तभी आप अपना उसमें से रसीद वगैरह काट सकते हैं। भाग संख्या वर्तमान संख्या पंजी टू के माध्यम से ही मिलता है। बहुत लोग दोस्तों यहाँ पर मैसेज कमेंट कर रहे हैं कि पंजी टू विवरण को हम अच्छे से कैसे निकाल सकते हैं, तो हमारे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। जैसे जैसे फॉलो करूंगा, जैसे जैसे वेबसाइट पर जाऊंगा वैसे वैसे जाइएगा, आपको 100% पंजी टू विवरण मिल जाएगा। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, गूगल ब्राउजर को ओपन कर लेंगे और मेन स्क्रीन पर आ जाएंगे। मैं दो तरह से दोस्तों बताने वाला हूँ, एक तरफ प्रिंट करने का ऑप्शन बताएंगे कि यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं और एक देखने का प्रोसेस बताऊंगा, तो दो जगह से दिखाऊंगा। बस दोस्तों यहाँ पर क्या कीजिएगा, गूगल को ओपन कर लीजिएगा, चाहे कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो या मोबाइल हो, कोई भी गूगल क्रोम को ओपन कर लीजिएगा। गूगल पर आपको टाइप करना है दोस्तों onlinesubmit.com। सबमिट में यहाँ पर ध्यान दिए कि डबल टी यहाँ पर टाइप करना है, onlinesubmit.com इंटर कर देना है, डॉट कॉम का वहां पर थोड़ा सा स्पेस दे दीजिएगा तभी ये वेबसाइट आएगा। देखिए तो यहाँ पर आ चुका है onlinesubmit.com। सबमिट में ध्यान रहे कि डबल टी होना चाहिए, इस पर क्लिक कर देना है। ये दोस्तों क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट है onlinesubmit.com का। इस साइट पर आपको हर एक तरह की न्यू अपडेट मिल जाती है, जैसे कि लेटेस्ट में रिजल्ट्स, एडमिट कार्ड, देखिए दोस्तों यहाँ पर रिजल्ट्स, एडमिट कार्ड, लेटेस्ट जॉब और दोस्तों बहुत सारी कैटेगरी बनाया गया है ऑल ऑनलाइन इम्पोर्टेंट आंसर की। यहाँ पर लेटेस्ट न्यू अपडेट, एडमिशन बिहार ऑल साइड, बिहार के लिए स्पेशली साइड दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों इस वेबसाइट को हमेशा विजिट करते रहिएगा क्योंकि इस वेबसाइट से हर एक तरह की न्यू अपडेट आपको मिलती रहती है। अब चलिए मैं बता रहा था वहां पर पंजी टू विवरण निकालने का प्रोसेस, तो मैं जैसे जैसे फॉलो कर रहा हूँ ना बस आपको फॉलो करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर सर्च बार का ऑप्शन है, यहाँ पर करेक्शन स्लिप या परिमार्जन या रसीद टाइप करेंगे और यहाँ पर सर्च बॉक्स पर क्लिक कर देंगे। तो मैं यहाँ पर सर्च कर लिया हूँ और देखिए यहाँ पर दे रहा है करेक्शन स्लिप बिहार में ऑनलाइन रसीद यहाँ से काटे, परिमार्जन यहाँ भी कर सकते हैं। और यहीं पर ऑफिशियल वेबसाइट है इसी पर, और इसी में आपको दिया गया है वहां पर जाने का प्रोसेस कि आप पंजी टू विवरण कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्शन स्लिप वाले पे यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही इस करेक्शन स्लिप बिहार में ऑनलाइन रसीद यहाँ से काटे क्लिक करेंगे, नीचे आ जाएंगे, इस पोस्ट के नीचे आ जाने हैं। कट रसीद, यहाँ से रसीद काट सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, परिमार्जन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर चला जाता हूँ। अब देखिए इस वेबसाइट के माध्यम से ही आप अपना सारा काम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सारा काम ही काम है, यहाँ पे दाखिल खरीद करना है, एलपीसी बनाना है, वहां से स्टेटस देखना है, यहाँ से स्टेटस देखना है, रसीद कटना है, परिमार्जन यानी जमीन का सुधार करना है, जमाबंदी पंजी देखना है। तो मेरे को मेन महत्वपूर्ण है जमाबंदी पंजी देखें। तो सबसे पहले आपको मैं दो तरीका से बोला था, दो तरीका से बताने वाला हूँ। पहला तरीका भू लगान यानी रसीद काटने का प्रोसेस के साथ बताने वाला हूँ, उसके बाद जमाबंदी पंजी यहाँ पर प्रिंट करके दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों दोनों तरह से देख लीजिएगा, अगर प्रिंट करना है तो लास्ट में बताएंगे, अभी मैं उसका विवरण दिखा रहा हूँ। तो मैं भू लगान पर सबसे पहले क्लिक करता हूँ, ऑनलाइन भुगतान पर क्लिक करेंगे, अपना यहाँ पर जिला का नाम डाल दीजिएगा, उसके बाद अपने प्रखंड का यहाँ पर नाम डालकर आगे बढ़े पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों क्या कीजिएगा, अपना यहाँ पर पंचायत का नाम डाल दीजिएगा, उसके बाद मौजा का नाम डाल दीजिएगा, भाग संख्या और पृष्ठ संख्या यहाँ पर डाल दीजिएगा, जैसे कि मैं डाल दिया। यहाँ पर भाग संख्या पृष्ठ संख्या डाल दिया, कैप्चर कोड को फिलअप कर दिया। अब बोलिएगा दोस्तों यहाँ पर भाग संख्या पृष्ठ संख्या कहाँ से डाले, तो दोस्तों भाग संख्या और पृष्ठ संख्या वर्तमान जानने के लिए जमाबंदी देखना पड़ेगा, जमाबंदी देखना ही पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो जमाबंदी कहाँ से देखना है, यहाँ से देखना है, यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। मैं खोजे पर क्लिक कर देता हूँ और दोस्तों पहला वाला जो है इस पर देखे पर क्लिक कर देंगे, जैसे ही देख सकते हैं यहाँ पर लिख दिया पंजी टू विवरण, पंजी टू विवरण। यहाँ पर अगर पंजी टू विवरण में आपका नाम रहता है पंजी टू विवरण में, यानी कि इसको शॉर्टकट में दोस्तों रजिस्टर्ड टू, ऑनलाइन रजिस्टर्ड टू भी बोला जाता है,
एक कर्मचारी के पास भी रजिस्टर टू होता है, ऑफलाइन देखा जाता है, और साथ में हम लोगों के पास होता है ऑनलाइन रजिस्टर टू यानी कि पंजी टू विवरण। तो ये पंजी टू विवरण में आप नाम देख सकते हैं। और दोस्तों इसका फीस कितना है, 130 रुपये लगने वाला है। आप यहाँ से अपना नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस फिलअप करके, एग्री करके, अपना भुगतान करके रसीद काट सकते हैं, ऑनलाइन रसीद काट सकते हैं। ये होगा पंजी टू विवरण। लेकिन इसको निकालने के लिए भाग संख्या, वर्तमान संख्या, प्रिंट कहाँ से करेंगे, इसको प्रिंट नहीं करना है। यहाँ से आप रसीद प्रिंट देखिए, पहले से रसीद कटा हुआ है, यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ से आप केवल पंजी टू विवरण देख सकते हैं, अगर आपको भाग संख्या, वर्तमान संख्या मालूम हो तब, यानी कि पंजी टू विवरण देख सकते हैं। अब प्रिंट कहाँ करना है, कट कर देंगे, फिर से इस वेबसाइट पर जानी है onlinesubmit.com। सबमिट में डबल टी है, जैसे मैंने गूगल पर टाइप करके आया, यहाँ पर देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट, जो क्लिक हेयर का ऑप्शन है, फिर से यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक कर देंगे, फिर से इस वेबसाइट पर आ जाइएगा और यहाँ पर जमाबंदी पंजी पर क्लिक कर देंगे। और देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है जिला का नाम, यहाँ पर अपना अंचल यानी प्रखंड टाइप करेंगे, प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, जो भी आपका पंचायत है, पंचायत को एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मौजा कौन सा है, मौजा यहाँ पर डाल देंगे। और देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि पंजी टू विवरण यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। ये असली हुआ पंजी टू विवरण निकालने का प्रोसेस, समझ में आ रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर पंजी टू प्रतिवेदन, यानी कि ये हुआ असली प्रोसेस। भाग संख्या, फील्ड संख्या मालूम है तो यहाँ से निकाल सकते हैं, रैयत का नाम यानी कि उनका नाम डाल के निकाल सकते हैं, खाता संख्या यहाँ पर डाल के निकाल सकते हैं, प्लॉट संख्या डाल के निकाल सकते हैं, जमाबंदी संख्या से खोज सकते हैं, अगर याद है जमाबंदी संख्या तो। समस्त पंजी टू के नाम अनुसार देखें, इसका मतलब है रजिस्टर्ड टू, पंजी टू के नाम अनुसार, यानी कि पंजी टू का जो प्रतिवेदन है पूरा का पूरा देखना है तो यहाँ पे क्लिक करके देख लेना है। तो मुझे खाता नंबर ऑलरेडी याद है तो मैं खाता नंबर से देख लेता हूँ, आप कोई भी चीज से देख सकते हैं। सुरक्षा कोड है 7+1 तो यहाँ पर एड कर देंगे, उसके बाद सर्च पर क्लिक कर देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर सर्च करके क्लिक कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर हमारा कहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे है मेरा ये वाला है। जैसे कि मैं अपना खाता संख्या चेक कर लेता हूँ, सही है। जमाबंदी संख्या यहाँ से मालूम हो जाएगा कि मेरा कितना है, तो जमाबंदी संख्या देख लेंगे। भाग संख्या, प्रिंट संख्या भी मिल जाएगा। अगर पूरी तरीके से प्रिंट करना है तो इस वाले व्यू पर, ऑप्शन पर, यहाँ पर देखे पर क्लिक कीजिएगा, ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, क्लिक नहीं हो रहा है। पॉपअप ब्लॉकर इज इनेबल, प्लीज ऐड दिस साइट योर एक्सेप्शन लिस्ट। इसको पॉपअप ऐड करनी पड़ेगी। देखिए मैंने पॉपअप ऐड किया तो इस तरीके से आपको पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगा। जैसे कि मैंने फिर से यहाँ पर जो है यहाँ पर क्लिक करेंगे, मैं क्लिक कर दिया हूँ, देखिए यहाँ पर ओपन होकर आ गया। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आपके सामने ला देता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर जमाबंदी पंजी प्रति। तो इस तरीके से जमाबंदी खुल चुका है, कितना जमीन है, खाता कौन है, प्लॉट कौन है, कैसे कैसे चौहद्दी है, क्या है, कब से कब तक रसीद कटा है, भाग संख्या, प्रिंट संख्या। तो यहाँ पर प्रिंट करने का प्रोसेस, यही हुआ मेन महत्वपूर्ण फंडा पंजी टू निकालने का प्रोसेस। यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट पर क्लिक करेंगे और इसको पूरी तरीके से यहाँ सेव कर लेंगे या प्रिंटर से प्रिंट कर लेंगे, ये पीडीएफ फाइल में सेव भी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और onlinesubmit.com को आप लोग हमेशा विजिट करते रहिए, क्योंकि उस साइट पर आपको हर एक तरह की न्यू अपडेट दी जाती है। आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो, नए ट्रिक के साथ।